स्वागत है आपका टेक्नो व्लॉगिंग में। मैं ऋषभ पारिक और मैं लेके चलूंगा आपको गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। शाओमी बेस्ड एक कंपनी है ब्लैक शार्क, जो कि लेके आती है मार्केट में गेमिंग स्मार्टफोन्स जो कि हाई परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। तो यही जो ब्लैक मैजिक है वो अपने नए स्मार्टफोन्स लेके आ चुके हैं मार्केट में और उनके ऊपर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। तो दो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, ब्लैक शार्क 3 और ब्लैक शार्क 3 प्रो। दोनों ही स्मार्टफोन्स की जो प्राइस है वो रखी गई है 37,000-38,000 रुपये पहले वेरिएंट की, और जो दूसरा वेरिएंट है यानी कि प्रो वाला वेरिएंट उसकी 40,000-50,000 रुपये के बीच में रखी गई है। तो गाइस उनमें क्या है स्पेसिफिकेशंस, क्या है उनके फीचर्स और क्या इन्हें परचेज करना है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट खरीदना होगा, तो जानते हैं सारी बातें। सॉरी फॉर माई वॉइस, गला थोड़ा बैठा हुआ है तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक शार्क 3 और 3 प्रो की डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर सा है और देखने में ये जो स्मार्टफोन है ये गेमिंग स्मार्टफोन लगता है। RGB लाइट्स दी हुई हैं और इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा यूनिक और हटके है, थोड़ी सी एलियन टेक्नोलॉजी वाली फील देता है। और आप नोटिस करेंगे कि जो आपका कैमरा है ट्रायंगुलर शेप में दिया हुआ है वो ऊपर और नीचे दोनों बैक पे देने की कोशिश की गई है। डिज़ाइन एक ही है, मतलब जो सेटअप है कैमरा तो वो तो एक ही है, लेकिन दूसरे में एक सिमेट्रिकल डिज़ाइन देने की कोशिश की गई है जो कि उसके लुक को इन्हेंस करता है। और ज़्यादा बल्क की बॉडी नहीं है जो कि एक प्लस पॉइंट को ऐड करता है, वरना गेमिंग स्मार्टफोन्स होते हैं उनकी बॉडी काफ़ी बल्की हुई है। अब आप इस फोटो में देखोगे कि ये फ़ोन थोड़ा सा बल्की है, लेकिन ये बल्की नहीं है गाइस, यहाँ पर आपको गेमिंग ट्रिगर्स दिए गए हैं। ये फ़ोन गेमिंग ट्रिगर्स के साथ आता है तो आप जब गेमिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है एक चीज़ जो कहता है गेमिंग करना। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की जो कि होता है उसकी डिस्प्ले। तो इसमें पहले वाले वेरिएंट यानी कि 3 में, ब्लैक शार्क 3 में आपको देखने को मिलेगी 6.6 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, वहीं प्रो वेरिएंट में 7.1 इंच की 2K प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। दोनों ही AMOLED डिस्प्ले हैं और इनकी जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो 90Hz है। जब स्क्रीन की 90Hz रिफ्रेश रेट होती है तो बहुत स्मूथ हो जाता है, उसकी जो चलाने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। इसी के साथ जो इसकी टच सैम्पलिंग रेट है, जो टच सेंसिटिविटी है वो 270Hz है, तो जब आप टच करोगे वो बहुत स्मूथ होगा, बहुत इन्हेंस्ड होगा। दोनों ही स्क्रीन HDR10 को सपोर्ट करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों ही स्मार्टफोन्स की स्क्रीन्स हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल विविड और सैचुरेटेड कलर्स आपको प्रोड्यूस करेंगी। AMOLED स्क्रीन भी है तो बहुत अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको देखने को मिलेगी स्मार्टफोन्स के अंदर। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि किसी भी स्मार्टफोन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मेरे मायने में, क्योंकि चाहे वो गेमिंग स्मार्टफोन हो या नॉर्मल स्मार्टफोन हो, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। और यहाँ प्रोसेसर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट वाला प्रोसेसर जो कि है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 वो यूज़ किया गया है, तो आपको गाइस काफ़ी मज़ा आने वाला है, बिल्कुल भी हैंग लैग ये सब देखने को नहीं मिलेगा स्मार्टफोन के अंदर। दूसरी बात, बैटरी का भी अच्छा कंजप्शन होगा क्योंकि स्क्रीन जो रेट है वो ज़्यादा है, टच सैम्पलिंग रेट ज़्यादा है, HDR10 का सपोर्ट है। तो गाइस जब स्क्रीन में ये सारा दिया जाता है, एक भारी प्रोसेसर है, तो ओबियस सी बात है बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होगा, इसीलिए बैटरी ज़्यादा दी गई है। जो पहला वेरिएंट है उसमें 4700mAh की बैटरी है और प्रो वाले वेरिएंट में 5000mAh की बैटरी हमें देखने को मिलेगी। 65W का फास्ट चार्ज सपोर्ट है टाइप सी वाले से करते हैं तो। और इसमें एक अच्छी बात और आपको देखने को मिलेगी, बैक में एक मैग्नेटिक चार्जर है, दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड न्यू टू द गेमिंग स्मार्टफोन्स। अब ये जो मैग्नेटिक चार्जर है ये 65W का नहीं है, ये 18W का है। रीजन हम समझ सकते हैं, टाइप सी वाले पोर्ट में ज्यादा वो दी गई है फास्ट चार्ज करने की, और ये 0 to 65 15 मिनट में चार्ज हो जाता है। तो ये इस फोन की खास बात एक और ऐड कर लीजिए आप। और गाइस ये जो दोनों स्मार्टफोन्स हैं इनमें एक और अच्छी बात है, इनमें MEMC चिप दी गई है। आप सोचेंगे ये क्या है गाइस, अब हम कोई भी कंटेंट जब स्मार्टफोन पर देखेंगे तो वो हाई फ्रेम रेट का नहीं होगा, सारे
कंटेंट हाई फ्रेम रेट के नहीं होंगे। ये चिप क्या करती है, ये बीच में फ्रेम्स इंसर्ट करती है। जितने ज़्यादा फ्रेम्स होंगे उतने ज़्यादा स्मूथ होगा, मक्खन जैसा कंटेंट चलेगा, देखने में चलेगा। तो जब आप गेमिंग करोगे तब आपको ये फील देखने को मिलेगा, एकदम मक्खन चलेगा। ज़्यादा फ्रेम्स पे, 90 फ्रेम्स पे आप खेल पाएंगे गेम को, तो ये अच्छी बात है। और ये ऐसा पहला, पॉसिबली पहला गेम है जिसमें MEMC चिप दी गई है। तो गाइस, ब्लैक शार्क काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स बनाता है और बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि आप ब्लैक शार्क खरीद सकते हो, तो इसी वजह से इसके ऊपर कॉन्फिडेंस से दाव लगाया जा सकता है। इसमें रैम की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। LPDDR5 यूज़ किया जाएगा जो कि स्टैंडर्ड्स में काफ़ी हाई आता है, तो आपको रैम की क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अगर आपके प्रोसेसर की क्वालिटी अच्छी है, रैम की क्वालिटी अच्छी है, तो अच्छे रिजल्ट्स देगा आपका स्मार्टफोन। बात करें अगर स्टोरेज की, तो UFS 3.0 स्टोरेज हमें देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स करता है, स्टोरेज के मामले में रिलायबल है और सिक्योर है। तो UFS 3.0 का स्टोरेज देखने को मिलेगा हमें। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो जो पहला वेरियंट है वो आता है 37,000 में, मतलब ये चाइनीज़ जो प्राइस है उसको कन्वर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसी प्राइस के आसपास ही इंडिया में भी लॉन्च होंगे। दूसरा जो प्रो वाला वेरिएंट है वो आता है 50,000 रुपये के आसपास। तो गाइस, दोनों ही स्मार्टफोन्स अपने अपने स्टैंडर्ड्स में मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बस वाइट ट्रिगर वगैरह और हार्डवेयर जो इनके साथ आते हैं एड ऑन करने के लिए गेम खेलने वगैरह के लिए, तो उनकी वजह से प्राइस का मोटा मोटा अंतर आपको देखने को मिलता है। गाइस, ये कंपनी Xiaomi बेस्ड कंपनी है, सारी डिटेल्स बता चुका हूँ मैं आपको। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा और हमसे पूछिएगा। तो दिस इज ऋषभ पारिक एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।